ये वीडियो उन कस्टमर्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं करवाई। सबसे पहले आपने अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। अगली स्क्रीन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की होगी। इस स्क्रीन पर आपने परफॉर्म बायोमेट्रिक बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। बायोमेट्रिक के इस प्रोसेस में आपने पहले अपने उल्टे हाथ का स्कैन करना है। स्कैन कामयाब होने की सूरत में आपकी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। यही स्टेप आपने अपने सीधे हाथ के लिए भी दोहराने हैं। दोनों हाथ के स्कैन के बाद आपका बायोमेट्रिक नाथरा से वेरीफाई हो गया है। अब मौसूल शुदा ओटीपी एंटर करें। ये प्रोसेस मुकम्मल होने पर आपकी डिवाइस रजिस्टर होने की दरख्वास्त भी मुकम्मल हो गई है और आपका कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू हो गया है। सक्सेस ना होने की सूरत में आपको एक खुदकार कॉल रिसीव होगी। इस कॉल में आपको कुछ स्टेप्स गाइड किए जाएंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपने अपनी ऐप पर वेरीफाई का बटन प्रेस करना है। याद रहे, ये वेरीफाई का बटन कॉल आने से पहले हरगिज प्रेस ना किया जाए। जैसे ही आपकी ये खुदकार कॉल कामयाब होगी, उसके बाद आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। ये मौसूल शुदा ओटीपी आपने अपनी ऐप में दर्ज करना है। इन तमाम अमल करने के बाद आपकी डिवाइस रजिस्टर कर दी जाएगी और 2 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू हो जाएगा। इस 2 घंटे के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आप अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन अमल में ला सकते हैं।